कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। हमें पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए होगी? करवा यानी करक, मिट्टी के कलश नुमा पात्र के मध्य में लंबी गोलाकार छेद के साथ डंडी लगी रहती है। इस तरह के पात्र चांदी व पीतल के भी होते हैं। इस करवा पात्र को श्री गणेश का स्वरूप मानते हैं। करवे के दान से सुख, सौभाग्य, सुहाग, अचल लक्ष्मी एवं पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र सम्मत है। ऐसी भी मान्यता है कि करवे को दान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुहागिनों के पति की लंबी आयु होती है। इस व्रत में व्रत के आखिर में चंद्रमा को अर्क दिया जाता है। श्री चंद्रदेव भगवान शंकर जी के शीश पर सुशोभित हैं, क्योंकि शंकर की प्रत्येक उपासना व गौरी जी के व्रत का पूजन चंद्रदेव को अर्क देकर ही संपूर्ण माना जाता है। अतः चंद्र स्तुति, पूजन और आराधना विशेष फलदायी होती है। इस व्रत की हम तैयारी कैसे करें? करवा चौथ पूजन व्रत की तैयारी। करवा चौथ व्रत में श्री गणेश, माँ अंबिका, श्री नंदीश्वर, श्री कार्तिकेय की पूजा होती है। सुपारी पर मौली गोलाकार रूप में इस तरह से लपेट लें कि सुपारी पूर्णतः ढक जाए। एक कटोरी में थोड़े से चावल रखें। इन चावलों को पहले रख कर उस पर श्री गणेश जी महाराज को विराजमान करें, जो आपने एक सुपारी और मौली से बनाए हैं। माँ अंबिका गौरी, पीली मिट्टी की गौर बनाएं। मिट्टी गोलाकार करके ऊपरी सतह पर मिट्टी का त्रिकोण बनाएं। मिट्टी उपलब्ध न होने पर एक तांबे के सिक्के पर रक्षा सूत्र लपेटें। एक छोटे से लाल कपड़े से ढक दें। एक रोली की बिंदी लगाएं अथवा बनी हुई बिंदी लगाएं। भाव यह रखें कि माँ गौरी का मुख है। अंबिका गौर के स्वरूप को श्रद्धापूर्वक गणेश जी के बगल में बाईं ओर रख दें। श्री नंदीश्वर महाराज को विराजमान करें। एक पुष्प को श्री नंदीश्वर का स्वरूप मानकर स्थान दें। श्री कार्तिकेय, एक पुष्प को श्री कार्तिकेय का स्वरूप मानकर स्थान दें। श्री नंदीश्वर एवं श्री कार्तिकेय का चिन्ह हो तो उत्तम है। करवा मिट्टी, तांबे, पीतल अथवा चांदी के दो करवे। करवा न हो तो दो लोटे। करवे में रक्षा सूत्र बांधे, यानी उसके गर्दन पर कलावा बांधे, सिंदूर से या हल्दी से स्वास्तिक बनाए। दोनों करवों में कंठ तक जल भरे या एक करवे में दूध अथवा जल भरे। एक करवे में मेवे जो सांस को दिए जाते हैं, दुग्ध अथवा जल से भरे करवे में तांबे या चांदी का सिक्का डाल दें। पूजन सामग्री। पूजा करने के लिए हमें धूप, दीप, कपूर, रोली, चंदन, सिंदूर, काजल, माँ के 16 सिंगार इत्यादि पूजन सामग्री थाली में दाहिनी ओर रखें। दीपक में घी या तेल इतना हो कि संपूर्ण पूजन तक दीपक प्रज्वलित रहे। नैवेद्य में पूर्ण फल, सूखा मेवा अथवा मिठाई हो। प्रसाद एवं विविध व्यंजन थाली में सजा कर रख। गणेश और नंदी एवं कार्तिकेय और श्री शिवजी के लिए नैवेद्य 3 जगह अलग अलग छोटे पात्र में रखें। जल के लिए 3 पात्र। आचमन के जल के लिए छोटे पात्र में जल भर कर रखें, साथ में एक चम्मच भी रखें। हाथ धोने का पानी इस रिक्त पात्र में गिरे। विनियोग के पानी के लिए बड़ा पात्र जल भर कर रख दें। पुष्प एवं पुष्प माला थाली में दाहिनी ओर रखें। चंद्रमा का चित्र स्वयं के दाहिनी ओर स्थापित करें। सब तैयारी हो जाने पर कथा सुनें और फिर रात में चंद्रमा के निकलते ही
चंद्रदेव को अर्क देकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर अपने पति के हाथों से भोजन ग्रहण करें। आपका व्रत सफल हो जाएगा, आपके पति की उम्र लंबी हो जाएगी। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। करवा चौथ की पूजा करने के लिए बालू या सफेद मिट्टी की एक वेदी बनाकर भगवान शिव, देवी पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, चंद्रमा एवं गणेश जी को स्थापित कर उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए तथा चंद्रमा को अर्घ देकर छलनी से अपने पति को देखना चाहिए। पति के हाथों से ही पानी पीकर व्रत खोलना चाहिए। इस प्रकार व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके उद्यापन कर देना चाहिए।